यूं तो हरियाणा में किसान आंदोलन के समर्थन में कई महापंचायतें हुई हैं। पिछले दिनों भी कुछ महापंचायतें हुई, लेकिन इस बार वजह किसान आंदोलन नहीं है। 16 मई को राज्य के मेवात इलाके में आसिफ हुसैन खान नाम के एक युवक की कथित तौर पर भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल हो रही महापंचायतें इन आरोपियों के पक्ष में हैं। हालांकि हरियाणा में फिलहाल लॉकडाउन है और धारा 144 लागू है। दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह जिले के इंद्री गांव में 30 मई को एक महापंचायत हुई थी। वेब पोर्टल द वायर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इसमें 50,000 लोगों ने भागीदारी की थी। इस व्यक्ति के मुताबिक इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लोगों ने भाग लिया था। महापंचायत सुबह 11 बजे से 3 बजे तक गांव के संगम स्कूल में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता अरुण जैलदार नाम के एक व्यक्ति ने की थी। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं ये मामला शुरू कहां से हुआ था। नूह जिले के खेड़ा खलीलपुर गांव का रहने वाला 27 साल का आसिफ हुसैन खान पेशे से एक जिम ट्रेनर था। परिवार का ऐसा दावा है कि वो 16 मई को अपने एक चचेरे भाई के साथ दवाइयां लेने मेवात गया था। उसी वक्त कुछ गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया और कई लोग मिलकर लाठी डंडों से वार करने लगे। आसिफ के चचेरे भाई इस घटना में घायल हुए, लेकिन अपने को बचाकर भागने में कामयाब हुए। वहीं इस हमले में आसिफ की जान चली गई। उनकी लाश गुरुग्राम के सोहना इलाके के एक गांव में मिली। आसिफ के पिता जाकिर हुसैन ने वेब पोर्टल द क्विंट को बताया, 16 मई की शाम को मेरा बेटा आसिफ भतीजे राशिद के साथ सोहना के एक मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गया था। जब वे वापस जा रहे थे तो वहां उनकी मुलाकात वासिफ से हुई। वासिफ को उन्होंने घर वापस जाने के लिए लिफ्ट भी दी। फिर कुछ आरोपी 3 से 4 कारों में आए और मेरे बेटे की गाड़ी को टक्कर मारी। जाकिर हुसैन के मुताबिक ये घटना जाखोपुर के पास एक रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक हुई। घटना के वक्त वासिफ उनके साथ नहीं था। वासिफ को उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। जाकिर हुसैन ने वेब पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री से कहा, राशिद किसी तरह भागने में कामयाब रहा, लेकिन आसिफ का उन्होंने अपहरण कर लिया। वहीं आसिफ के चचेरे भाई राशिद के मुताबिक आरोपियों ने आसिफ को कार से बाहर निकाला और उसकी हत्या कर दी। राशिद ने कहा, उन्होंने कहा कि वे हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और ये भी कहा कि वो हमसे जय श्री राम बुलवाएंगे। इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसमें मुख्य आरोपी पटवारी, आडवाणी, महेंद्र और अनूप हैं। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। वेब पोर्टल द वायर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पटवारी, आडवाणी और 3 अन्य आरोपी कथित तौर पर BJP और संघ परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इंद्री में बड़ी महापंचायत से पहले अलग अलग गांव में छोटी महापंचायतें आयोजित की जा चुकी थी। नूह तहसील के किरा गांव में एक महापंचायत हुई थी, दूसरी फरीदाबाद जिले के बडोली गांव हुई थी। इन छोटी छोटी महापंचायतों में इंद्री में आयोजित कार्यक्रम की जानकारी लोगों को दी गई थी। द वायर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी महापंचायतों का आयोजन आसिफ की हत्या में गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग के लिए किया गया था। हालांकि महापंचायतों का आयोजन करने वाले और इसमें भाग लेने वाले लोगों का दावा है कि सभी आरोपी बेगुनाह हैं और उनकी मांग है कि सभी को फौरन रिहा किया जाना चाहिए। इंद्री में महापंचायत में प्रशासन पर आरोपियों की रिहाई के लिए दबाव बनाने को 101 लोगों की कमेटी बनाई गई है। कर्णी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू ने भी इंद्री महापंचायत में भाग लिया था। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में भाषण शुरू करने से पहले वो लोगों से पूछते हैं, भाई जरा सच्चा और अच्छा हिंदू अपना हाथ खड़ा कर ले, अगर एक आध पाकिस्तान की औलाद बैठा हो तो वो भी अपना हाथ खड़ा कर ले। उन्होंने अपने भाषण में आसिफ की मौत के लिए उसके कर्मों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, ना तो पटवारी ने मर्डर किया, ना ही आडवाणी ने मर्डर किया। अगर उसकी हत्या हुई है तो उसके कर्मों की वजह से हुई है। यह कहने की जुर्रत आप लोग और कहें। दोषियों को पकड़ लो, निर्दोषों को छोड़ दो। हम नहीं हैं दोषी, नहीं हैं हमारे बच्चे दोषी। हमारी बहन बेटियों की नंगी पिक्चर बनाते हैं और हम उनका मर्डर भी ना करें। वो हमारी बहन बेटियों को कॉलेज के बाहर गोली मार देते हैं, हम उनका विरोध भी ना करें। पंचायत में टेंट लगाने वालों को रोक रहे हैं, कहते हैं देख लेंगे। पंचायत करने वालों को जो रोकेंगे हम उन्हें ठोकेंगे। अगर माँ का दूध पिया है तो रोक के दिखाएं। दी लल्लन टॉप ने अमू से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। टीवी न्यूज चैनल NDTV के मुताबिक हरियाणा पुलिस कर्णी सेना के प्रमुख कुंवर सूरजपाल अमू के एक वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है, जो कथित तौर पर राज्य में एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के मामले में गिरफ्तार लोगों के पक्ष में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। नूह जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजानिया ने NDTV को बताया, हमने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और हम कार्रवाई करेंगे। मुस्लिम रक्षा दल हरियाणा ने इन महापंचायतों के खिलाफ मेवात SP के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आयोजकों और वक्ताओं पर घृणा फैलाने,
कानून तोड़ने, भाईचारे को नुकसान पहुंचाने और दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया है। एमआरएल के हरियाणा अध्यक्ष तकीर अली मेव द्वारा मंगलवार को दायर की गई शिकायत में मुख्य आयोजक और इंद्री गांव के सरपंच कमल, सदबीर पहलवान दमदमा, सुभाष चौधरी पलवल, सूरज पालमू सोहना और योगेश हिलालपुरिया को नामजद किया गया है। वहीं हिंदुत्ववादी संगठन भारत माता वाहिनी के प्रमुख दिनेश ठाकुर ने भी आरोपियों की रिहाई की मांग की है। उन्होंने कई लोगों के साथ इस संबंध में एक रैली भी निकाली थी। इस रैली की एक वीडियो उन्होंने वाहिनी के फेसबुक पर 27 मई को पोस्ट की थी। पलवल में बीजेपी के आईटी सेल के जिला अध्यक्ष सुनील ने भी बसालत में आयोजित एक महापंचायत की तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें कहा गया इसमें 40 गांव से 36 बिरादरी के लोगों ने भाग लिया। सुनील ने स्थानीय पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो पलवल से मेवात जाने वाली पानी की लाइन रोक देंगे। उन्होंने कहा, हम 10 दिन इंतजार करेंगे, 10 दिन बाद 100 लोगों की कमेटी आगे की कार्रवाई तय करेगी, जरूरत पड़ी तो दूसरी पंचायत कराई जाएगी। पुलिस को 10 दिन के भीतर गिरफ्तार किए गए लोगों में दोषियों और निर्दोषों के बीच अंतर कर कमेटी को संतुष्ट करना होगा। अगर वे संतुष्ट नहीं है तो एक और महापंचायत होगी, जिसमें वे प्रशासन के खिलाफ आगे का एजेंडा तय करेंगे। हम पलवल से मेवात जाने वाली पानी की लाइन रोक देंगे। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।